बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू अवर चैनल गार्डन साज बहू का। आपकी दोस्त आयशा यजदानी और मेरी प्यारी प्यारी क्यूट सी बहू अरी बोमर, हम दोनों की तरफ से बहुत सारी मोहब्बतों भरा सलाम कबूल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे गार्डन में हमारे साथ है हमारा प्यारा प्यारा फुल ऑफ ग्रीनरी एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ हमारा समर प्लांट आलमंडा। ये प्लांट की सूरत में भी होता है और ये वाइन की सूरत में भी होता है, तो इसको हम कटिंग्स के ज़रिए लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत गुच्छों की सूरत में, देखें ऊपर कितने खूबसूरत गुच्छे लग रहे हैं इसके लिए, तो गुच्छों की सूरत में इसके ये फ्लावर्स निकलते हैं। ये और फुल सनलाइट प्लांट है। ये देखें इस वक्त ये मेरा फुल सन के अंदर, ये तकरीबन तमाम दिन ये सन के अंदर ही होता है इस वक्त ये, तो ये फुल सन लाइट प्लांट है। ये इसकी ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करें, देखेंगे पीछे ना देखेंगे, जब तक ऊपर की मिट्टी खुश्क नहीं होती तो इसके अंदर मैं वो नहीं डालती, पानी नहीं डालती, इसको लगा देती हूँ मैं, तो इसकी ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करें वरना फिर ये जड़ों को ना इसकी फंगस लग जाता है। देखेंगे तो वेल्डन प्लांटर बहुत ज़रूरी है इसके लिए, वेल्डन सॉइल बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और मेरे पास तो ये येलो कलर के अंदर, इसके अलावा ये मुख्तलिफ कलर्स में होता है, पर्पल पीच येलो ऑरेंज पिंक और लाइट मजेंडा से कलर होता है इसका, और शायद लाइट रेड कलर भी होता है। बहुत खूबसूरत से कलर होते हैं ये, बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है ये, मुझे तो अपने गार्डन के लिए बहुत पसंद है ये। और ये प्लांट सारा दिन धूप के अंदर रहता है, इसको लीव्स के मगर इसकी देखें शाइन ख़त्म नहीं होती है माशाल्लाह से, कोई येलो नहीं आता इसके ऊपर, देखें कितनी माशाल्लाह शाइन है इसके ऊपर, ये देखें ना ये किस कदर की। तो ये सारा दिन धूप के अंदर धूप को पसंद करता है, धूप के अंदर रहता है सारा ये, और इसकी ग्रीनरी पे भी कोई असर नहीं पड़ता, देखें तो इसकी फ्लावरिंग पे भी कोई असर नहीं पड़ता ये। तो इस वाइन को ग्रो करने के लिए हमें जो पॉटिंग मिक्स चाहिए होता है, इसमें आप 50% गार्डन सॉइल ले लें, 20% किचन कॉम्पोस्ट ले लें, या पत्तियों की कॉम्पोस्ट जो होती है इसी की, जैसे पत्तियाँ निकलती हैं आपके गार्डन की, जितनी पत्तियाँ निकलती हैं आप उनकी कॉम्पोस्ट तैयार कर लें, वो डाल लें इसके अंदर, वो लगा लें अपने उसमें पॉटिंग मिक्स के अंदर, और 30% काउ डंग ले लें, आपका बेहतरीन पॉटिंग मिक्स तैयार है इसके लिए। तो अच्छा, अब हम आते हैं इसकी प्रोपेगेशन की तरफ कि हम इसको कैसे प्रोगेट करें। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इसको कटिंग के ज़रिए बासानी ग्रो कर जी, तो इंशाल्लाह तआला इसको अब मैं आपको अपडेट रखूँगी कि किस तरह से इसको हमने देखें, किस तरह से हमारा ये चल पड़ा ये, इंशाल्लाह तआला ये चल पड़ेगा ये, क्योंकि मैं पहले भी इसे मल्टी मॉइस्चर अप्लाई कर चुकी हूँ इसको मैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपने गार्डन के अंदर इसको ज़रूर लगाएंगे। मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्पेशली दुआ में याद रखिएगा। तो मैं इसके पूरे खूबसूरत से फ्लावर्स पे इख्तिताम करती हूँ अपनी वीडियो का, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।